नगर में बढ़ती सुअर समस्या से आम नागरिक परेशान है। बाहर के सुअर पालकों द्वारा सैकड़ों की संख्या में सुअरों को स्थानीय लोग को कमीशन पर सुअर देकर निश्चित हो जाते हैं, जिससे दोनों लोगों को लाखों रुपयों की आय होती है। आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आम नागरिक भी इससे अछूते नहीं बचे हैं। स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए सुअरों के झुंड आम लोगों के घरों में रखा सामान भी खराब कर देते हैं। मां नर्मदा जल में श्रद्धालुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली सामग्री को सुअरों प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। श्रद्धालुओं का इस संबंध में साफ तौर पर कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा सुअर पालकों पर कार्रवाई की जाए तथा सैकड़ों की संख्या में विचरण करने वाले सुअरों को अन्य स्थान पर छुड़वाने की कार्यवाही की जाए। रुद्रनाथ घाट हंडिया नाभी पट्टन, जिसको नर्मदा पुराण में कहा है, इस स्थान के ऊपर आया, माई का दर्शन करके धन्य हुआ। लेकिन माई के तट पर मैंने किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा जो असावधानियां बरतने को देखी, जो बहुत ही विचारणीय विषय है। लोग अपने घर में बकरियां पालते हैं, सुअर पालते हैं, और इन बकरियों और सुअरों को लोग किनारे पर रहने वाले नर्मदा के किनारे तीर्थ क्षेत्र में छोड़ देते हैं। ये सुअर बकरियां नर्मदा जी में आकर के श्रद्धालु जो जन आते हैं स्नान दर्शन करने के लिए, श्रद्धा लेकर के इनकी श्रद्धा को झकझोर देते हैं। किसी की फूल की टोकली को कोई बकरी ले जा रही है, किसी के लगा रहे हैं, और फिर ये जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो बड़ा गहन इस विषय के ऊपर नगर में किनारे पर रहने वाले श्रद्धालु जन भी, भक्त जन भी, और